आईपीएल 2025 के लिए बिल्कुल नई टीम का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा बने रतन टाटा की टीम के कप्तान। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर, साथ ही आईपीएल 2025 में कौन सी नई टीम उतरेगी मैदान पर और किस तरह से रोहित शर्मा बने इस टीम के कप्तान, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी कर रहे हैं आईपीएल 2025 का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2025 के शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन इसी बीच आईपीएल 2025 को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। दरअसल आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। दरअसल आईपीएल में अभी तक आपने 10 टीमों को खेलते हुए देखा है, जहां खिताब जीतने के लिए 10 टीमें आपस में टकराते हुए नजर आती है। लेकिन इस बार आपको आईपीएल में 10 के बजाय 11 टीमें मैदान पर नजर आ सकती है। दरअसल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस बार एक नई टीम को मैदान पर उतार सकती है, यानी कि इस बार कुल 11 टीमों के बीच हमें खिताब की जंग होते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि आईपीएल के अगले सीजन के लिए रतन टाटा अपनी नई टीम लॉन्च कर सकते हैं, जिस टीम का नाम भी अब लगभग कंफर्म हो चुका है। खबरों की माने तो रतन टाटा जिस टीम को लॉन्च करने जा रहे हैं, उस टीम का नाम टाइगर वॉरियर्स होगा। आपको बता दें कि खबरें हैं कि इस टीम की कप्तानी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है, यानी कि रतन टाटा की मालिकाना हक वाली टाइगर वॉरियर्स की टीम की कप्तानी अब रोहित शर्मा करते हुए नजर आ सकते हैं और रोहित शर्मा पर बड़ी बोली लगाकर उन्हें अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई क्या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल नई टीम को लॉन्च करती है या नहीं, और क्या रोहित शर्मा ही उस टीम के कप्तान बनेंगे या नहीं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।